हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम है और हो रहा है बारिश। इस वक्त थोड़ा सा शांत हो गया है और अभी दिखाऊँ इधर तो देख सकते हैं नज़ारा कैसा। ये है हमारे बकरियों का घर, लेकिन मैं अभी इंतज़ार कर रहा हूँ बकरियों का। तो बकरियाँ चली गई हैं घूमने और जो भेड़ और थी उन लोगों को बंद कर दिया हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ सऊदी का टाइम हो रहा है 5:30, जो कि इंडिया में हो गया होगा रात 8 बज गया होगा, क्योंकि 2.5 घंटे का अंतर है फ्रेंड्स। और यहाँ का मैं सोचा आप लोगों को थोड़ा नज़ारा दिखाऊं। तो यहाँ देख सकते हैं बादल कैसे लगा हुआ है, यहाँ देखिए फ्रेंड्स। और चलिए अभी दिखा रहा हूँ बकरियों को जो कि कितना ऊपर गई हैं। अभी तो बकरियाँ नीचे आ गई, एक क्लिप मैं बनाया हूँ वो लगाऊंगा, आप लोग देखिएगा कितना ऊपर गई हुई थी बकरियाँ। फ्रेंड्स, बारिश आ रहा है, यहाँ देख रहे होंगे हमारे ऊपर कैसे बारिश आ रहा है। बारिश आ रहा है और हमारी बकरियाँ देखिए कहाँ पर गई हैं, चलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और अभी बारिश बहुत तेज़ आ रहा है फ्रेंड्स, तो शाम का टाइम है, अभी सारा काम निपटा लिया हूँ और एक बार घुमा के दिखाऊँ। तो इधर देख रहे होंगे आप लोग पूरा पहाड़ ही पहाड़ है और अब बकरियाँ दिखेंगी। ऐसे में बकरियाँ दिख रहे हैं कि नहीं आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन अभी जूम करूँगा ना तो अभी सारी बकरियाँ दिखेंगी पहाड़ों के ऊपर। और कैसे चढ़ी है सब ना, मैं सोचा कि आप लोगों को दिखाऊँ, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं बादल भी बहुत ज़्यादा चमक रहा है, मैं अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में किया हूँ। यहाँ देखिए बकरियाँ कितना ऊपर गई हैं सर, इधर भी गई हैं सर, इधर देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर गई हैं सर, यहाँ देख रहे होंगे। ऐसे मोबाइल में इतना ज़्यादा, एक मिनट कैमरे पे पानी चला गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऐसे मोबाइल से इतना अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बकरियाँ बहुत ऊपर गई हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी शाम का टाइम था और अभी सारा काम ख़त्म कर लिया, अभी मैं भी चल रहा हूँ नहाने वहाने और बकरियों का इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे बकरियाँ आएंगी अंदर बंद कर दूँगा, बंद करने के बाद अभी छुट्टी हो जाएगा। और आइए फ्रेंड्स, आप लोगों को दिखाता हूँ जो मैं बकरियों का घर साफ़ करता हूँ ना, कितना ज़्यादा मतलब कि निकाल रखा हूँ। और मैं नहीं निकाल रखा हूँ क्योंकि मैं तो अभी नया आया हूँ ना यहाँ पे, एक महीने से ऊपर ही हुआ। जो यहाँ पहले लोग रहते थे वो लोग साफ़ करते थे। यहाँ देख सकते हैं भेड़ों को कर दिया हूँ बंद, इन लोगों को ये देखिए, इन लोगों को खिला पिला करके अंदर कर दिया हूँ। और बकरियाँ हैं सब कि घूम रहे, भी उतर रहे हैं सब। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये है फ्रेंड्स, जब बारिश आता है ना तो पहाड़ों से पानी जब नीचे गिरता है ना तो सब इधर से ऐसे उतरता है और यहाँ से ऐसे चलता है, तो ये इसीलिए गड्ढा हो गया। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे बड़ा वाला गाड़ी आया था, क्या बोलते हैं, सावल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, जिस भी किसी जैसा रहता है पीला सा, तो वही आया था तो पूरा साफ़ किया। और यहाँ से ले करके यहाँ तक देखिए, वहाँ तक और इधर भी है, जो कि सब बकरियों का गायों का घर है। साफ़ करने के बाद गोबर नेड़ी जो भी होता है इधर ही हम लोग फेंकते हैं। तो आइए मैं चढ़ूंगा इसके ऊपर और दिखाऊं बकरियाँ कैसे आ रही हैं, कहाँ से उतर के आ रही है। अभी इन लोगों का क्लिप भी दिखाऊंगा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स कि कितना ऊपर बकरियाँ चली गई थी। मुझे तो डर लग रहा था कि अगर एक भी पांव फिसल गया ना तो बचेंगे नहीं, सब मर जाएंगे। तो अभी आ गया हूँ ऊपर और यहाँ आप लोगों को दिखाऊँ तो हमारी बकरियाँ अभी हमको देख रही हैं सर। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, उतर आई हैं सब, ये सब ऊपर जा कर के चरती हैं सब। ऊपर जा कर एक दो ऐसे घास रहता है, ये देखिए कौन कौन सा घास है, ये सब पता नहीं क्या क्या है, सब खाती हैं वो भी। देखिए इधर अगर जूम करूँ तो, और यहाँ से अगर आपको नज़ारा दिखाऊं तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर आया हूँ, यहाँ से कितना नीचे दिख रहा है बकरियों का घर। और ये पूरा ऊपर का कटरेन दिख रहा है, वो जो मजरा दिख रहा है, मतलब कि जो क्या बोलते हैं खजूर का पेड़, वहाँ पे हमारा रूम है जो लाइट जल रहा है। और इधर देखिए कपिल का घर है, उधर भी पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, यह देख सकते हैं। अभी अच्छे से दिखेगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए दूर तक अगर देखेंगे सब पहाड़ी एरिया है। ऐसे यहाँ रहने में बहुत मज़ा आ रहा है फ्रेंड्स। जो पिछले जगह में था वहाँ पे तो पूरा रंबल ही रंबल, और रंबल मतलब वही बालू था और बिच्छू बहुत ज़्यादा निकलते थे सब, सांप बहुत ज़्यादा निकलते थे सब, वो भी ख़तरनाक वाले। तो इधर तो मतलब हमारे खास लोग भी हैं और यहाँ भी जो लोग पुराने रहते हैं उन लोगों से भी मैं बात किया हूँ फ्रेंड्स, तो इधर कहीं भी सांप वो पैसे जल्दी नहीं निकलते, बहुत अच्छा जगह है ये। यहाँ देख सकते हैं अभी बकरियाँ आने वाली हैं अपने घर में, और लोगों को जैसे मैं बंद करूँगा चला जाऊँगा अपना नहाने धोने के लिए।
तो फ्रेंड्स हवा चल रहा हो सकता है, आवाज़ ना उतना अच्छा जा रहा हो, और बस यही सब है हमारा जगह जहाँ पे मैं रहता हूँ। और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे रहने में, अभी तो एक ही महीना हुआ और अच्छा कट रहा है, देखते हैं दो साल कैसे गुजर जाता है। तो बस फ्रेंड्स यही सब दिखाने के लिए मैं वीडियो बनाया शाम का नज़ारा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उससे मुझे पता ये लगता है फ्रेंड्स कि वीडियो अच्छा है या बुरा है, या कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं अगर वक्त हो तो। तो चलिए वीडियो क्लोज करता हूँ, और फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।